नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारा YouTube चैनल है। आपको यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग प्लस बेसिक नॉलेज के सब वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट था कि जो हम टेलीग्राम पे अपने फ्री कॉल प्रोवाइड करते हैं रोज के, वो भी आपको एक बार चैनल दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि कर्सर को देख पा रहे हो, यहाँ पे टेलीग्राम पे क्लिक करने के बाद मैं आपको अपना चैनल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, चैनल भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे हम डेली फ्री लाइव इक्विटी के कॉल्स देते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस टारगेट सब मेंशन रहता है। अगर आपको फ्री में मुनाफा कमाना है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। बुल ट्रेडर्स करके है, आप सर्च करके भी कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके भी कर सकते हो। तो चलिए फिर से हम अपने वीडियो के ऊपर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ITC बाय सेल और होल्ड, ठीक है। तो मैं आपको फुल स्क्रीन करके सब एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ITC ने जो लो लगाया था अपना अभी जो लॉकडाउन के पीरियड में, वो लगभग 135 के आसपास था, देख पा रहे हो कर्सर पे यहाँ पे, ठीक है 135। उसके बाद एक अपसाइड मूव आया, मैं आपको दिखा देता हूं, ये यहां की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस जोन की 135, ओके। यहां से एक अपसाइड मूव आया, फिर सेलर उसको नीचे लेके आ गए, और जो सेकंड लो था, सेकंड टाइम वेव का जो लो बोला जाता है, वो 158 या 160 के आसपास था। उसके बाद फिर से एक उछाल आ गया, फिर से सेलर आ गए, फिर से सेलर ने फिर से एक बार लो लगाया, वो लेकिन वो था 180 के आसपास, ठीक है। वहां से फिर से एक अप मूव आ गया, और ये देख पा रहे हो 209 या 210 का जो हाई लगाया था, उसके बाद फिर से सेलर आ गए, लेकिन यहाँ पे सेलर को जो अपना सेल जोन था वो एक्टिवेट करना बायर ने अलाउड नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इस जोन के नीचे बायर नहीं चाहते कि ITC चला जाए, ठीक है। अभी आपको लगेगा कुछ चीजें अलग लगेगी, लेकिन मैं कुछ लेवल्स मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, ये देख पा रहे हो, ये जो लेवल है, ओके, ये वाला, ये जो जब इसने फर्स्ट टाइम यहां पे गया था तो इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, ठीक है। उसके बाद नीचे आया, ये एक सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, ये हो गया सेकेंड टाइम, फिर से एक बार नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, और ये थर्ड टाइम, और अभी अपना जो रेजिस्टेंस है उसके पास थर्ड टाइम स्पेंड कर रहा है। आपको तो पता होगा, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, अगर आप हमें फॉलो करते होगे, कि अगर कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, ये देखो यहाँ पे कितना समय है, लंबा समय बिता रहा है, इसका मतलब साफ बन जाता है कि वो स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में है, और वहां पे तय हो जाएगा कि बायर उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं या सेलर उसको नीचे लेके जाना चाहते हैं। तो कुछ लेवल मेंशन करूंगा, आप वो नोट डाउन भी कर सकते हो। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये जो रेक्टेंगल बनाया है, ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन जहां पे उसने ब्रेक किया यहाँ पे, ये बाद में सपोर्ट बन गया, ठीक है, ये देख पा रहे हो, जब भी यहाँ पे आ रहा है तो ऊपर जा रहा है। लेकिन आज एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई खुद भी कर सकते हो। पहले लेवल के ऊपर आते हैं, लेवल की बात की थी हमने, तो ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है 190 से लेके 186 तक। अगर ये कंसोलिडेशन जोन इसने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ यहाँ पे, तो एक डाउनसाइड फॉल आ सकता है, और तुरंत सपोर्ट बन के आ जाएगा वो आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जोन, ये है 180 का, और उसके नीचे का सपोर्ट आ जाता है लगभग 160 के आसपास, लेवल लिख के लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर इसको यहां से एक अपसाइड मूव देना है ये स्टॉक को, तो उसका जो पहले जो रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो जोन है 202 का या 204 का, उसको ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल थे ITC के, ऊपर के और नीचे के। रेजिस्टेंस मैंने बता दिया 205 के आसपास है, सपोर्ट 190 के आसपास आ जाता है, और ये कंसोलिडेशन जोन है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा हमेशा कि ये जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आज और एक मैं बता देता हूं कि अगर आपको चेक करना है कि स्टॉक का
ट्रेंड कैसे चल रहा है, अपसाइड ट्रेंड है या डाउन साइड है। तो कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए जो स्किल लगता है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपके लिए छोड़ दूंगा, लेकिन अभी के लिए देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है कि जो सपोर्ट, मतलब जो स्टॉक्स की जो बॉडी है, जो कैंडल है, उसके नंबर ऑफ जो शेडोज है वो टच होना चाहिए उसके बेस को। ठीक है, तो डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक यू टर्न लिया, ऊपर गया, नीचे आ गया, ये फर्स्ट टाइम आ गया सपोर्ट के पास। उसके बाद ऊपर गया, फिर से एक बार नीचे आ गया, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया। उसके बाद एक बार नीचे आ गया उसी ट्रेंड लाइन पे और थर्ड टाइम सपोर्ट ले लिया। और हमारा एनालिसिस ये कहता है, और हमारा मतलब टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में बोला जाए कि अगर कोई स्टॉक अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मोर देन 3 times आ रहा है तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक बन जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज है बार बार घूम के यहां से देख पा रहे हो, एक बार नीचे आ गया लेकिन सेलर थे, बायर थे, उन्होंने उसको नीचे नहीं जाने दिया। लेकिन ये जो एक पैटर्न बन रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, इसको लास्ट किस बोला जाता है। मतलब इसका मतलब सीधा मुझे आता है कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वाली, इसको इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे, और फिर से एक बार ऊपर चला गया। और मैं जूम करके दिखा देता हूँ, बड़ी काम की चीज है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे ये जो कैंडल बना था, ये इसके ऊपर शेडो है हाफ में, इसको लास्ट किस बोला जाता है। लास्ट किस मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो बिटकॉइन में वगैरह ट्रेडिंग करते हैं ना, वहां पे रूल होता है कि अगर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक करना चाहता है तो एक बार रिस्पेक्ट करने के लिए उसको वापस उसी लेवल पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आईटीसी में मेरे हिसाब से एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, लेकिन कब डाउन ट्रेंड कन्फर्म कब होगा, जो ये लेवल जब ये ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ विथ वॉल्यूम, विथ हायर वॉल्यूम के साथ, विद इन कम टाइम में, मतलब एकदम 7-8-10 मिनट में ब्रेक कर देगा तो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, उसके बाद लास्ट की इसका एक क्राइटेरिया भी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, मैंने जो थोड़ी देर पहले लेवल्स बता दिए थे वो भी लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये जो टाइम फ्रेम है 1 day का है, और उसी हिसाब से मैंने आज एनालिसिस किया, कुछ लेवल्स आपके लिए मेंशन कर दिए। तो अगर आपको अपना डाउन साइड ट्रेड इनिशिएट करना है तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, यही है 190 का। ठीक है, तो कैंडल भी बता रही है कि जैसे कि आप देख पा रहे हो आज मार्केट बहुत ऊपर चला गया था, लगभग बैंक निफ्टी ने 600 पॉइंट का मूवमेंट दिया, निफ्टी ने 150 या 170-200 तक मैक्सिमम अपना मूवमेंट दिखा दिया। लेकिन आईटीसी ने क्या किया, मैं आपको दिखा देता हूं, आईटीसी ने क्या किया, लगभग 2-3 रुपए की मूवमेंट कर दी। अगर ये निफ्टी को सपोर्ट करता तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। इसका मतलब साफ है कि कोई तो इसमें डाउन ट्रेंड बनाना चाहता है, कोई तो सेलर बैठा है जो वेट कर रहा है अच्छे मौके का, जो इसको नीचे लेके जाए एक बार। क्योंकि ये जो ट्रेंड चला लगभग मार्च से, उसमें देखो ये बायर को पैसा मिल गया, ये सेलर को मिल गया, ये बायर को मिल गया, सेलर को मिल गया, ये बायर को, ये सेलर को, तो मैच टाई होने को आ गए। अगर मैच किसी को जीतना है तो ये बाजी मारनी पड़ेगी। तो वही बोल रहा हूँ, अगर बायर को जीतना है तो ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा हायर वॉल्यूम के साथ, सेलर को जीतना है तो ये लेवल जो है 190 के उसका क्रॉस करके नीचे आना पड़ेगा। और इसके अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही अपडेट हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं हर रोज, तो नए नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल का आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।